कानून व्यवस्था, राज व्यवस्था का एक महत्वपूर्ण कार्य विधि व्यवस्था का प्रवर्तन है। वाल्मीकि जी ने रामायण में राज व्यवस्था विहीन स्थिति का वर्णन किया है। ऐसे राष्ट्र में कृषि और पशुपालन नहीं होते, सभागृहों, उद्यानों, उपासना स्थलों व मंदिरों के निर्माण नहीं होते, भय व्याप्त रहता है, कलाकार अपनी कला का प्रदर्शन नहीं करते, सामाजिक उत्सव नहीं होते, व्यापारिक कार्य नहीं होते, पति पत्नी साथ साथ पर्यटन नहीं करते, अराजक दशा में लोग परस्पर एक दूसरे को ही मारने लगते हैं। ऐसी स्थिति यहाँ उत्तर प्रदेश में 2016 तक थी। भय था, उत्सवों के आयोजनों में दंगे थे, उपासना स्थलों व मंदिर निर्माण की चर्चा भी असंभव थी, घोर अराजकता थी, व्यापारी वसूली के शिकार थे। वर्तमान सरकार ने हर स्तर पर अराजकता समाप्त करके कानून का शासन स्थापित किया है। यहाँ मैं चंद पंक्तियों में एक और समाज में अराजकता फैलाने की कोशिश करने वाले स्वार्थी असामाजिक और राष्ट्र विरोधी ताकतों तथा दूसरी ओर उनका डटकर मुकाबला करने की सरकार की प्रतिबद्धता को व्यक्त करना चाहता हूँ। नफरतों की आग में जलते हुए माहौल को, नफरतों की आग में जलते हुए माहौल को इस व्यवस्था ने दिए हैं कुछ अनोखे कायदे। एक तरफ शोर है, बगावत है, माल है, मुल्क है, सियासत है, एक तरफ हौसले है, मेहनत है, नीति है, नियम है, हुकूमत। हमारी सरकार ने कानून व्यवस्था पर जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाई है। कानून के डर से बड़ी संख्या में अपराधी आत्मसमर्पण कर अथवा स्वयं जमानत निरस्त कराकर जेल गए हैं। मार्च 2017 से नवंबर 2019 तक की अवधि में पुलिस द्वारा कार्रवाई करते हुए बड़ी संख्या में अवैध आग्नेयास्त्र, कारतूस, बम और 615 अवैध शस्त्र फैक्ट्री बरामद की गई। वर्ष 2017 के सापेक्ष गत वर्ष दुष्कर्म की घटनाओं में 35% की कमी आई है। इसी प्रकार डकैती में 53%, हत्या में 14%, लूट में 44%, फिरौती में हेतु अपहरण में 30% तथा बलवा में 38% की कमी आई है। हमारी सरकार ने अपराधियों के विरुद्ध सक्रिय व कठोर अभियोजन सुनिश्चित करते हुए उल्लेखनीय सफलता प्राप्त की है। पॉक्सो एक्ट के अंतर्गत वर्ष 2018 के आरोपितों को मृत्युदंड, 67 को आजीवन कारावास और 420 को अन्य सजा हुई। वर्ष 2019 में 3 को मृत्युदंड, 152 को आजीवन कारावास तथा 585 को अन्य सजा हुई है। प्रदेश की जनता को पुलिस की विभिन्न सेवाएं सरलता के से उपलब्ध कराने के उद्देश्य से यूपी कॉप मोबाइल ऐप बनाया गया है, जिसमें 28 सेवाओं यथा ई प्राथमिकी पंजीकरण, वरिष्ठ नागरिक शिकायत, लापता व्यक्ति, किराएदार सत्यापन आदि का समावेश किया गया है। इस ऐप को 5 लाख से अधिक लोगों द्वारा डाउनलोड किया जा चुका है। वर्तमान परिवेश में साइबर अपराध एक बड़ी चुनौती के रूप में उभर रहे हैं। इन पर नियंत्रण हेतु जनपद गौतम बुद्ध नगर व लखनऊ में साइबर थाने क्रियाशील हैं तथा प्रदेश के अन्य परिक्षेत्रीय कार्यालयों में 16 साइबर थाने स्थापित किए जाने का निर्णय लिया गया है। कानून व्यवस्था को सुदृढ़ किए जाने हेतु गौतम बुद्ध नगर तथा लखनऊ में पुलिस कमिश्नरी सिस्टम लागू कर दिया गया है। इस व्यवस्था में पुलिस द्वारा अपराधियों के विरुद्ध त्वरित कार्रवाई की जा सकेगी। महिलाओं की सुरक्षा हेतु दिसंबर 2019 से सुरक्षा कवच योजना आरंभ की गई है। कामकाजी महिलाओं तथा महिला यात्रियों द्वारा रात्रि 10 बजे से प्रातः 6 बजे तक 112 पर डायल कर पुलिस सुरक्षा की मांग किए जाने पर पुलिस द्वारा उन्हें उनके गंतव्य तक सुरक्षित पहुंचाने की व्यवस्था की गई है। इस हेतु 300 PRB में 2-2 महिलाएं हर शिफ्ट में नियुक्त की गई हैं। आगामी वर्ष के बजट में कानून व्यवस्था से संबंधित कतिपय महत्वपूर्ण योजनाओं एवं कार्यक्रमों हेतु प्रस्तावित बजट व्यवस्था का मैं संक्षिप्त विवरण देना चाहूँगा। पुलिस विभाग के अनावासीय भवनों के निर्माण हेतु 650 करोड़ रुपए तथा आवासीय भवनों के निर्माण हेतु 600 करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित है। नवसृजित जनपदों में आवासीय तथा अनावासीय भवनों के निर्माण हेतु 300 करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित है। अग्निशमन केंद्र के आवासीय तथा अनावासीय भवनों के निर्माण हेतु 150 करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित है। पुलिस बल आधुनिकीकरण योजना हेतु 122 करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित है। विधि विज्ञान प्रयोगशालाओं के निर्माण हेतु 60 करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित है। सेफ सिटी लखनऊ योजना हेतु 97 करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित है। उत्तर प्रदेश पुलिस फॉरेंसिक यूनिवर्सिटी की स्थापना हेतु 20 करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित है। कर्तव्य पालन के दौरान शहीद अथवा घायल हुए पुलिस
एवं अग्निशमन सेवा के कर्मचारियों के परिवारों को अनुग्रह भुगतान हेतु 27 करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित है। अग्निशमन सेवाओं के सुदृढ़ीकरण हेतु 10 करोड़ रुपए तथा अग्निशमन केंद्रों पर बिजली की व्यवस्था सुदृढ़ किए जाने हेतु सोलर पावर प्लांट्स की स्थापना के लिए 20 करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित है। सेंट्रल विक्टिम कंपनसेशन फंड स्कीम के अंतर्गत तेजाब बलात्कार मानव तस्करी अथवा हत्या के प्रकरणों में आर्थिक सहायता हेतु 28 करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित है। स्टूडेंट पुलिस कैडेट योजना हेतु 14 करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित है। साइबर क्राइम प्रिवेंशन अगेंस्ट वीमेन एंड चिल्ड्रेन हेतु 3 करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित है। जनपद लखनऊ गोरखपुर तथा बदायूं में महिला PSC वाहिनियाँ स्थापित हैं। प्रदेश में 76 महिला थाने स्थापित हैं। जनपद लखीमपुर खीरी में 2 महिला थाने तथा अन्य सभी जनपदों में 1-1 महिला थाना स्थापित है। महिला एवं बाल कल्याण बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना के अंतर्गत कन्या भ्रूण हत्या की रोकथाम के लिए जागरूकता कार्यक्रम 68 जनपदों में संचालित किया जा रहा है। मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना हेतु 1,200 करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित है। निराश्रित महिला पेंशन योजना के अंतर्गत निराश्रित महिलाओं तथा उनके बच्चों के भरण पोषण हेतु 500 रुपए की धनराशि प्रतिमाह सीधे लाभार्थियों के खातों में प्रेषित की जाती है। इस योजना के अंतर्गत 1,432 करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित है। वृद्ध एवं निराश्रित महिलाओं के पुनर्वासन एवं जीवन यापन हेतु स्वाधार गृह योजना का संचालन किया जा रहा है। प्रदेश में कुपोषण की रोकथाम के लिए राष्ट्रीय पोषण अभियान कार्यक्रम अनुमोदित किया गया है, जिसके द्वारा बच्चों किशोरियों तथा महिलाओं में कुपोषण में कमी लाई जाएगी। इस योजना हेतु 4,000 करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित है। युवाओं के लिए युवा समाज के भविष्य के निर्माता हैं। किसी भी समाज का सार्थक एवं चतुर्दिक विकास युवा ऊर्जा शक्ति एवं अनुशासन से ही संभव है। इतिहास गवाह है कि विभिन्न कालखंडों में न केवल भारत अपितु संपूर्ण विश्व के में युवाओं ने समाज की दिशा बदली है। प्रदेश के युवाओं का आह्वान करते हुए मैं कहना चाहूँगा कि तुमने चाहा तो किया आसमान मुट्ठी में, कि तुमने चाहा तो किया आसमान मुट्ठी में, तुमने चाहा तो हवाओं के रुख बदल डाले, और तुमने चाहा तो उफनते हुए सागर बांधे, तुमने चाहा तो पर्वतों के सर को चढ़ डाले। प्रदेश के युवाओं को स्वरोजगार तथा रोजगार से जोड़ने के लिए 2 महत्वपूर्ण योजनाएं मुख्यमंत्री शिक्षुता अप्रेंटिसशिप प्रोत्साहन योजना तथा युवा उद्यमिता विकास अभियान युवा प्रारंभ किए जाने का निर्णय लिया गया है। प्रदेश के युवाओं को उद्योगों व MSME इकाइयों में ऑन जॉब ट्रेनिंग प्रदान कराते हुए उन्हें निश्चित अवधि के रोजगार से जोड़ने के उद्देश्य से हमारी सरकार वित्तीय वर्ष 2020-21 से मुख्यमंत्री शिक्षुता प्रोत्साहन योजना को प्रारंभ करने जा रही है। योजना के क्रियान्वयन के फलस्वरूप प्रदेश के युवाओं को उद्योगों में प्रशिक्षण के साथ साथ मासिक प्रशिक्षण भत्ता प्रदान किया जाएगा। युवाओं को मिलने वाले कुल भत्ते में से 1,500 रुपये प्रतिमाह की धनराशि केंद्र सरकार के द्वारा, 1,000 रुपये प्रतिमाह की धनराशि राज्य सरकार द्वारा तथा शेष धनराशि संबंधित उद्योग द्वारा वहन की जाएगी। मुख्यमंत्री शिक्षुता प्रोत्साहन योजना के संचालन से प्रदेश के उद्योगों को कुशल कारीगर तथा युवाओं को प्रशिक्षण के साथ साथ रोजगार भी प्राप्त होगा। योजना हेतु 100 करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित है। प्रदेश में लाखों की संख्या में प्रशिक्षित युवाओं को युवा उद्यमिता विकास अभियान युवा के द्वारा रोजगार से स्वावलंबन की ओर बढ़ाने हेतु अभिनव पहल की जा रही है। प्रदेश के प्रत्येक जिले में युवा हब स्थापित किया जाएगा, जो इच्छुक युवाओं को परियोजना परिकल्पना से लेकर 1 वर्ष तक परियोजनाओं को वित्तीय मदद में के साथ संचालन में सहायता प्रदान करेगा। लगभग 1,200 करोड़ रुपए की धनराशि जो युवाओं के लिए विभिन्न स्वतः रोजगार योजनाओं में राज्य को उपलब्ध है, इस युवा हब के माध्यम से ये योजनाएं समेकित रूप से क्रियान्वित की जाएंगी। ये योजना 1 लाख से अधिक युवाओं को स्वावलंबन की ओर ले जाएगी। प्रत्येक जिले में युवा हब की स्थापना हेतु 50 करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित है। लघु उद्योग खादी एवं ग्राम उद्योग आदि क्षेत्रों में युवाओं को स्वरोजगार से जोड़ने के लिए मुख्यमंत्री युवा
स्वरोजगार योजना, विश्वकर्मा श्रम सम्मान योजना, प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम, मुख्यमंत्री ग्रामोद्योग स्वरोजगार तथा ग्रामीण क्षेत्रों में निवास करने वाले युवाओं के लिए विशेष रोजगार योजना संचालित है। उच्च शिक्षा को बढ़ावा देने हेतु सहारनपुर, आजमगढ़, अलीगढ़ में 3 नए राज्य विश्वविद्यालयों की स्थापना की जा रही है। प्रदेश में पुलिस फॉरेंसिक यूनिवर्सिटी की स्थापना प्रस्तावित है। इसके अतिरिक्त जनपद प्रयागराज में लॉ यूनिवर्सिटी की स्थापना प्रस्तावित है। गोरखपुर में आयुष विश्वविद्यालय की स्थापना प्रस्तावित है। जनपद मिर्जापुर, प्रतापगढ़, बस्ती एवं गोंडा में इंजीनियरिंग कॉलेजों की स्थापना की जा रही है। आजमगढ़ एवं अम्बेडकर नगर में इंजीनियरिंग कॉलेजों का निर्माण लगभग पूर्ण हो चुका है। प्रदेश के 18 मंडलों में अटल आवासीय विद्यालयों की स्थापना की जा रही है। इन विद्यालयों में कक्षा 6 से कक्षा 12 तक निःशुल्क आवासीय शिक्षा प्रदान की जाएगी। इसे तो 270 करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित है। प्रदेश में 305 राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान स्थापित हैं, जिनमें युवाओं के उद्योग एवं सेवा क्षेत्र के 71 व्यवसायों में प्रशिक्षण हेतु 1,72,440 सीटें उपलब्ध हैं। प्रदेश में 2,963 निजी औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान भी स्थापित हैं, जिनकी प्रशिक्षण क्षमता 4,58,243 है। उत्तर प्रदेश कौशल विकास मिशन द्वारा प्रदेश के 14 से 35 वर्ष आयु वर्ग के अल्प शिक्षित एवं बेरोजगार युवाओं को अल्प अवधि के निःशुल्क रोजगार परक व्यावसायिक प्रशिक्षण के माध्यम से लाभान्वित कर रोजगार से जोड़ा जा रहा है। अभी तक 8,50,000 से अधिक युवाओं को प्रशिक्षित किया जा चुका है तथा उनमें से 3,00,000 से अधिक युवाओं को प्रतिष्ठित उद्योगों में सेवायोजित भी कराया जा चुका है। आगामी वर्ष में विभिन्न प्रशिक्षण कार्यक्रमों के अंतर्गत 2,00,000 युवाओं को प्रशिक्षित करने का लक्ष्य रखा गया है।